नहीं आपका नियम है, हम लोगों को बोला आपका चालान फाड़ो, हमारा कोई नहीं आया नहीं, हम तो परेशान हो गए। देखा आप बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चाय भी इधर मिलेगा, खाना भी इधर मिलेगा, रोटियां बना रहे हैं, 12 बजे से जाना है, हम बैठ जाओ बेटा, हमारे को पानी, हमारे को पानी, पानी भी नहीं लेने दिया, पानी भी नहीं लेने दिया इन लोगों ने, ये ऑफिस वाले लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पानी, चाय चाय तो जाने दो, हाँ पानी 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 पानी। सुबह नीमच आरटीओ विक्रम सिंह राठौड़ के द्वारा 6 बसों को जब्त किया गया था। यह बसें नीमच से होकर राजस्थान को जाने वाली थी। इनमें बैठे सवार यात्रियों ने गुरुवार को दोपहर में करीब 12 बजे आरटीओ ऑफिस नीमच पर हंगामा कर दिया। सवारियों का कहना था कि बसों में सवारियां कम थी, फिर भी परेशान किया गया। इतना ही नहीं, सवारियों और महिलाओं के साथ बदसुलूकी आरटीओ विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों द्वारा की गई। उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि वे रात भर सफर करके आ रहे थे और आज सुबह हाईवे से उन्हें पकड़कर बस सहित आरटीओ ऑफिस ले गए थे और उनका कहना है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा कर रहे थे और अगर इस तरह की कोई कमी भी है तो विभाग अपने स्तर पर पूरा करके हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाता, मगर घंटों रोक कर रखा गया। फिलहाल बसों को जब्त कर लिया गया है, वहीं अन्य वैकल्पिक साधनों से सवारियों को उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया है। बस में थे और यहाँ किस तरह की परेशानी? हम इंदौर से भिलवाड़ा जा रहे थे, सुबह 6 बजे से बिठा के रखा, हमारे को पानी भी नहीं पीने दिया, गाली गलौज किया इनके वॉचमैन ने, लेडीज के साथ बस सुलूकी की। कहाँ से पकड़ के लाए थे बस को और क्या प्रॉब्लम हुई थी? बस को गांव से पकड़ के लाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, खाली वैसा उनका बोले चेकिंग करने की है। हमारे सवारी बराबर थी, 40 सवारी थी गाड़ी में, 50 सीटर की सवारी गाड़ी है, 40 सवारी थी, तो भी हमारे को पकड़ के लेडीज के साथ में गाली गलौज किया, पानी नहीं पीने दिया। हम सुबह से 5 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, 12 बज गए तो भी कोई सुने नहीं कर रहा हमारी, हम परेशान हो गए, पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे पीने के लिए। हमारी शिमरा गाड़ी है, ट्रैवलर्स गाड़ी है, तो हमारे को सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ से। सुबह से हम पानी भी नहीं पिया हमने, लेडीज के साथ में इनके वॉचमैन ने बदसलूकी किया। मेरा नाम हरीश नाम है। आज बसों पर कार्रवाई की गई है जी, किस बात को लेकर कार्रवाई की गई है और कितनी बसों पर कार्रवाई हुई? जी, बसों के अवैध संचालन को लेकर कार्रवाई की गई है, मेरे द्वारा 5-6 बसों को करीब जब्त किया गया था। सर बताइए, इन बसों में क्या कमियां पाई गई थी, क्या रहा था? चेकिंग के दौरान इन पर दस्तावेज नहीं पाए गए थे, दस्तावेज चेक करने अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ देखा जाता है सर, ओवरलोडिंग माल को लेकर भी बताया जा रहा है आपके अधिकारी द्वारा, तो किस प्रकार का माल इनमें परिवहन किया जाता है? अब मेरे द्वारा जिनमें भी ये माल का परिवहन किया जा रहा है सभी पे नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जी सर, लेकिन ये ऐसी बात कलेक्टर साहब के कल निर्देश के बाद हुई है, तो रूटीन में क्या परिवहन? नहीं, रूटीन में मैं कंटिन्यू चेकिंग कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, या चेकिंग के जो भी आंकड़े देने हैं वो भी मेरे पास सब है। अभी तक मैं 27 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई वैसे भी कर चुका हूँ। जी सर, कल स्पेशल कलेक्टर साहब के निर्देश हो, उसके बाद आज अचानक से 5 बसों को जब्त किया गया। हाँ। बल्कि डेली देखा जाता है कि बस स्टैंड के पास का जो अड्डा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बस मालिकों ने, मैं इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा रोज कार्रवाई की गई, हो सकता है आप लोगों के पास जानकारी ना गई हो, मेरे द्वारा इस महीने ही करीब 40-50 के ऊपर बसें जब्त की जा चुकी हैं। तो सर आप मानते हैं, मतलब कुल मिला के सीएम साहब के निर्देशों के बाद भी जो हादसा हुआ, तो कुल मिला के परिवहन विभाग सक्षम नहीं है? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल परिवहन विभाग पर्याप्त सक्षम है और हम लोग जनता की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई सिर्फ आज ही थी, आगे भी लगातार आगे भी निरंतर जारी रहेगी। आज जो इनके ऊपर कार्रवाई, उसमें किस प्रकार के इनके ऊपर चलानी कार्रवाई करेगी और क्या कुछ इनके बाद जुर्माना, जो भी दस्तावेज कम होंगे उनको लेकर चलानी कार्रवाई की जाएगी।